हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। मैंने रिसेंटली मेरी लाइफ में कुछ एक बहुत बड़ा चीज़ें हुई हैं एंड वो मैं डिस्क्लोज करूँगी 14th of April को ऑन माय इंस्टाग्राम। सो पॉइंट इज़, मुझे पता आप लोग बहुत एक्साइटेड हो, आप लोग जो गेस कर रहे हो 99% बिल्कुल करेक्ट है। मेरे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मेरे पर मैसेजेस आए हैं, बट ये चीज़ हुई है पिछले 10-15 दिन पहले ही, नहीं 15-20 दिन पहले ही, होली के आसपास। सो अब वो चीज़ हम ऑफिशियल करने जा रहे हैं, बट उन सब की चीज़ों के चक्रों में ना मैंने बहुत खाया है, इधर जाना उधर जाना, रिलेटिव्स सब लोगों के बीच में बैठ के मैंने बहुत सारा खाना खाया है। और जब खाना खाते हैं, बिकॉज इनिशियली स्टार्टिंग स्टेज पे यू कांट से नो, सो जब यू कांट से नो ना, सो वहाँ पे आपका वेट गेन होता है। सो मैंने तो गेन किया ऑलमोस्ट लाइक 3.5-4 किलो, सच्ची सच्ची बता रही हूँ, मैंने सुबह ही चेक करा मेरा वेट और अच्छा खासा मेरा गेन हुआ पड़ा है। एंड 14th April से पहले आई वॉन्ट मेरे इवेंट पे कि मैं बहुत अच्छी दिखूँ, पतली दिखूँ एंड बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे हम मज़े करें। सो पॉइंट इज़ कि आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए नवरात्रा का एक डिटॉक्स, हार्डकोर डिटॉक्स, क्लीन हम कहेंगे, इट्स अ क्लिनजिंग प्लान जिसकी हेल्प से आपका इजीली लूज़ होगा 5 kg तक, बहुत ही प्यार से 5 से 6 किलो बड़े प्यार से लूज़ होगा 9 डेज़ के फास्टिंग में। एंड ये जो प्लान है थोड़ा सा हम चेंज करके करेंगे, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ, आप भी करोगे। आज इंस्टाग्राम पे दोनों साथ साथ स्टोरियाँ डालते हैं, एक दूसरे को टैग करते हैं और मज़े से हम लोग वेट लॉस करते हैं। सो पॉइंट इज़, ये जो डाइट है इसको मैं क्लीन एंड डिटॉक्स प्लान बोलूँगी, बिकॉज इसमें मैंने बहुत ही तरीके से जूसेज ऐड करे हैं जिसकी हेल्प से आपकी जो वेट है वो शेड होगा फास्ट। सेकेंड इज़, आपकी बॉडी को थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा। डिटॉक्स करने से काफ़ी सारे फायदे बहुत सारे होते हैं। पहली चीज़ आती है आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर वर्क करेंगे। सेकेंड इज़, आपका ब्लोटिंग घटेगा। थर्ड इज़, आपकी बॉडी को थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा आपके ऑर्गन्स को। एंड उसकी हेल्प से क्या होगा कि जब आप दोबारा से बैक टू द नॉर्मल जाओगे, आपका जो ऑर्गन्स है वो अच्छे से काम करेंगे, आपका डाइजेशन जो है वो अच्छा हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। एंड फिर मशीनरी होती है ना, जब उसको ग्रीसिंग मिल जाती है, वो थोड़ा रेस्ट करती है, उसके बाद वो बहुत अच्छे से काम करती है। सो यहाँ पे डिटॉक्स का हमारा सेम सिस्टम होता है। नेक्स्ट, अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हैवी खाया है, जंक खा रखा है, या आपका ओवरवेट हुआ पड़ा है ट्रैवल ओवर ईटिंग की वजह से, या बहुत ही भागा दौड़ी की वजह से, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस प्लान की हेल्प से। अनदर पार्ट इज़, आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, आपके बाल बहुत अच्छे होंगे। बट मेक श्योर, अगर आप ये प्लान कर रहे हो तो इसके साथ ना आप अपनी नींद का ध्यान रखना, बिकॉज इट्स अ लो कैलरी प्लान एंड डिटॉक्स का प्लान है। ऑफकोर्स आपको थोड़ी बहुत वीकनेस आ सकती है, बट अगर आपको वीकनेस आएगी, मेक श्योर कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कम हो। बट अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, सो मैं डिटॉक्स जूसेस के साथ साथ आपको अनदर ऑप्शंस भी दूंगी, जिसकी हेल्प से आप ऐसा वर्ष अपने हिसाब से उसको मोल्ड करके कर सकते हैं। सो अनदर पार्ट इज, यहाँ पे नींद का बिल्कुल ध्यान लेके चलेंगे, वेट अपडेट डेली का चेक करेंगे। कैसे चेक करना है, मैं पिछले 7 ईयर्स से आपको बता रही हूँ, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। अनदर पार्ट, मेक श्योर आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। अनदर चीज़, पानी का इंटेक जो है अपना 3.5 से 4 लीटर रखें, सिप सिप करके पीते रहे, लूज़ कपड़े पहने घर में और आराम से अपने बॉडी को फ्लश ऑफ होने दो। चीज़ें अगर निकल रही हैं उनको क्लीन होने दो, आपका यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको होने दो, आपके बाउल मूवमेंट्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं उनको होने दो। इन केस गलती से आपको लूज मोशंस लग जाते हैं जूस पीने के बाद 1-3 बार, देन इट्स ओके, फोर्थ टाइम इट्स अ वार्निंग वाली चीज़, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बट अगर लग रहे हैं देन आप थोड़ी सी सॉफ्ट तवे पे भून कर खाएंगे, उससे आपके लूजेस जो हैं वो रुक जाएंगे। सो अब हम फर्दर नहीं चलते हैं, बट एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप नवरात्रि रख ही रहे हैं, मैं भी रख रही हूँ और हम लोग दोनों साथ साथ चल ही रहे हैं, सो आप लोग मेरे लिए बहुत सारे प्रेयर करोगे। आप लोग, मुझे पता है आप लोग ऑलरेडी बहुत सारी प्रेयर्स करते हो, बट मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा प्रेयर करोगे मेरे लिए, बिकॉज आई नो यू गाइज लव मी एंड आई लव यू अ लॉट। सो अब हम बात करते हैं कि वेट लॉस की डाइट की, स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से। मॉर्निंग ड्रिंक में हम बनाएंगे करी पत्ता एंड जीरा की टी। कैसे बनानी है, चलते हैं किचन में। ओके, यहाँ पे हम बना रहे हैं हमारे करी पत्ता एंड जीरा की टी। सो ये लिए मैंने हमारे, ज़्यादा करी पत्ता नहीं लेना, छोटे छोटे 4 बड़े 2 करी पत्ता। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा पिंच ऑफ जीरा। टी इज रेडी। करी पत्ता एंड जीरा के टी ना आपके डिटॉक्स का बहुत अच्छा काम करेगी। आपके स्टमक के कुछ भी थोड़े बहुत जो भी इन्फेक्शन होंगे, या फिर आपके स्टमक में थोड़े बहुत जो भी इन्फ्लेमेशन होगा, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, उसको हेल्प करेगा। फास्टिंग करते समय ना, स्पेशली नवरात्रि या रमज़ान के फास्टिंग में, एक चीज़ का बड़ा प्रॉब्लम आता है, कॉन्स्टिपेशन, स्वेलिंग।
एंड वाटर रिटेंशन. सो ये जो टीज होती है ना, ये उन सब में हेल्प करेगी आपको, बहुत अच्छे से हेल्प करेगी. कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगी. अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है फिर वेट लॉस कैसे हो पाएगा, आप खुद बताओ. वेट लॉस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना. सो अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की. नाउ ब्रेकफास्ट में ना मैं बनाने जा रही हूँ घिया एंड आलू का चाट. वो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बड़ी यम्मी रेसिपी है. चलते किचन में बनाते घिया एंड आलू का चाट. नाश्ते के लिए हम बनाने जा रहे हैं घिया एंड आलू का चाट. बहुत यम्मी है, नाम पे मत जाना. सो यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल. कुकर हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से. हाँ, हो गया. नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे जी यहाँ पर हमारा जीरा. ओके, जैसे ही मेरा जीरा यहाँ पे बम 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 करेगा. नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे हमारा हल्दी पाउडर. नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास मेरा एक घिया है, छोटा सा फ्रेश काट रखा हमने. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरे टमाटर. नेक्स्ट बिना पानी के मैं इसे विसल लगाऊंगी 3. घिया अपना पानी बहुत सारा छोड़ता है. सो हम लगाएंगे 3 विसल सेम मार्च पर. ओके, 3 विसल के बाद हमारा जो घिया एंड टमाटर है वो पक चुका है. अब हम डालेंगे इसके अंदर आलू, बॉइल्ड आलू. ओके, सो ये रहे मेरे पास 2 बॉइल्ड आलू, ये हमने इसमें डाले. इसको मिक्स करा. नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे हमारा सेंधा नमक. ये है हमारा ब्रेकफास्ट. इसके साथ आप मिल्क टी एंड कॉफ़ी भी ले सकते हैं या फिर बाउल ऑफ कर्ड. सो अप टू यू. बट अगर चाय की एडिक्शन है तो चाय डेफिनेटली हम इसमें ऐड करेंगे, अदरवाइज पूरा दिन हमारा सर दर्द रहेगा. या फिर इसके साथ हम ले सकते हैं बाउल ऑफ कर्ड. दोनों को मिक्स करके खाएंगे एंड इट्स गुड टू गो. अनदर पार्ट, ये खाना नहीं खाना, बहुत बोरिंग है. हमारे में घिया नहीं खाते, कोई बात नहीं. साबुदाना की खिचड़ी आप ले सकते हो, आलू एंड पीनट्स की चाट आप ले सकते हो, कुट्टू एंड सावक की रोटी ले सकते हो. कुट्टू एंड आलू का पूरा मैंने यहाँ पे रेसिपी बना रखा है, वो ले सकते हो. मेरे चैनल पे बतेरी मैंने यहाँ पे रेसिपीज डाली हुई हैं नवरात्रि की. इनमें से कोई भी हैवी ब्रेकफास्ट की रेसिपीज आप पिक कर सकते हो. सबसे अच्छी चीज़ है, आप आलू की चाट लेंगे दही के साथ, उससे आपका डाइजेशन जो है वो अच्छा होगा, क्लीन होगा और साफ निकलेगा. अनदर पार्ट आता है मिड ब्रेकफास्ट. नाउ मिड ब्रेकफास्ट के लिए हमें क्या चाहिए, चलते हैं किचन में. ओके, मिड ब्रेकफास्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं. या तो हम लेंगे कोई भी एक फ्रूट, जो भी फ्रूट आपके पास सीजन में उस समय रीजनेबल मिल रहा है. एप्पल हो गया, अनार हो गया. अनार अगर अफोर्ड कर पाओ तो वो डेफिनेटली आप इसको लेना अपनी डाइट में. या फिर सोप नट्स, ओवरनाइट सोप नट्स, 10-15 बादाम हो गए, 1-2 अंजीर या किशमिश हो गई. बट बेस्ट इज फ्रूट, कोई भी एक फ्रूट हम अपने मिड ब्रेकफास्ट में ऐड करेंगे. नेक्स्ट आते हैं अब हमारा लंच. नाउ लंच के अंदर मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगी पपीते का रायता. बहुत ही फिलिंग है, बहुत ही यम्मी है, बहुत ही सिंपल है बनाना. और अगर आप इसको ऑफिस में कैरी कर रहे हो, मेक श्योर आपका कर्ड अलग कैरी करेंगे डब्बे में, पपीता अलग कैरी करेंगे अलग डब्बे में. तो पपीता का रायता कैसे बनाना है, चलते हैं किचन में. चलो जी, अब हम बना रहे हैं लंच. लंच में हम लेंगे रायता, पपाया का रायता. ये डाल दिया मैंने यहाँ पे कर्ड. खूब अच्छे से दही मिक्स करेंगे. ओके, नेक्स्ट इस कर्ड के अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे. बहुत थिक कर्ड है मेरे घर का, इसको खूब अच्छे से हम मिक्स करते हैं. नेक्स्ट इससे आपका जो कॉन्स्टिपेशन का इशू है बिल्कुल जाएगा इस रायते से. ये रहे मेरे पास पपीता, 3-4 स्लाइसेस पपीता कट कर रखा है मैंने. छोटा कट करेंगे हम इसको. ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा अनार. ये ऑप्शनल है तो डालो, नहीं है तो मत डालो. खुशबू अच्छी आ गई, डल गया. नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे हमारा भुना हुआ जीरे का पाउडर. एंड 5-6 मूंगफली, पीनट्स, थोड़ा सा बादाम, ये अनार हमारा और. एंड इट्स रेडी. अब आता है दूसरी चीज़ की, यार पपीता का रायता मैं तो नहीं खाती, मुझे तो पपीता अच्छा नहीं लगता. अनदर पार्ट, यहाँ पे
हम लेंगे घी का रायता। घी का रायते की रेसिपी ये रही मेरे चैनल पे, आप इसको पिक कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं यार मुझे ना थोड़ा सा हैवी चाहिए लंच, मैं तो मेरा तो ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा है या मेरी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, बच्चे भी देखने हैं ये वो, देन आप लेंगे चटपटा पनीर, ये रहा चटपटा पनीर का रेसिपी। नहीं तो आप लेंगे सामक की खीर, नहीं तो आप यहाँ पे लेंगे हमारा एप्पल एंड डेट्स की स्मूदीज या फिर गुलकंद का शेक। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारी इवनिंग टी की। नाउ इवनिंग में ना बहुत सारे पील्स की, फ्रूट के पील्स की अलग ही बेनिफिट्स होते हैं और ये सब काम करते हैं आपके बॉडी के क्लीन करने में, डिटॉक्स करने में। जिन जिन लोगों को एक्नेस चल रहे हैं, जिन जिन लोगों का हेयर फॉल मैसिव हो रहा है, जो लोग अपने हॉर्मोन्स डिस्टर्बेंस की वजह से बड़े परेशान हैं, जिन लोगों का स्ट्रेस लेवल नेक्स्ट लेवल पे गया हुआ है, जो ओवर थिंकिंग की दुकान बन के चल रहे हैं, अगर आप पील की टी लेते हो उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है ना वो आपके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने में हेल्प करती है, साथ साथ इसके जो बेनिफिट्स होते हैं आपके इंच लॉस देती है, आपके फैट को बर्न करने में हेल्प करती है। सो यहाँ पे मैं आपको दो टीज बताऊंगी, एक तो हमारे अनार की पील टी, उसकी रेसिपी ये रही मेरे चैनल पे, बट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी ऑरेंज की पील टी, सबसे इफेक्टिव चीज़ है ऑरेंज की पील टी और वो बनानी कैसे है, चलते हैं किचन में। ओके, सो मार्केट में मौसम्बी आपको मिले, ऑरेंज मिले, कीनू मिले, माल्टा मिले, जो मिले आप उसका पील लेंगे। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास है ये माल्टा, सो हम इसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ऑरेंज भी मेरे पास है बट मैं यही यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल है इसकी पील बनाना। इसको मैंने गर्म पानी से वॉश करा है बहुत अच्छे से। सबसे पहले इसको ऐसे हम कट कर लेंगे, हमें मेजरली चाहिए इसका पील। सबसे पहले निकालेंगे इसका पील और ये जो फ्रूट होगा ये आप खाएंगे पील टी के साथ। सो ये निकाल लिया है पील, फ्रूट ये है हमारा, इसको हम खाएंगे पील टी के साथ। अब इसको हम करेंगे छोटा छोटा चॉप। ओके, यहाँ पे पानी मेरा गर्म हो रहा है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरे पील। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा सौंफ। इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है ना संजना। इसको खूब अच्छे से हम बॉईल करेंगे। ओके, हियर वी गो। So, ये रही हमारी ऑरेंज की पील की टी, ये रहे हमारे ऑरेंज कीनू और ये हम खाएंगे साथ में और ये इसकी हम टी पियेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जी डिनर की। नाउ डिनर में ना यहाँ पे मैं देना चाहती हूँ आपको सिर्फ जूस और दो से तीन ऑप्शन। पॉइंट इज कि अगर आप फास्ट वेट लॉस चाहते हो तब आप जूस पे शिफ्ट हो जाओ, वाइट पेठा एंड घी का जूस। ये जूसर में कैसे बनाएंगे सबसे पहले मैं उसकी रेसिपी बताती हूँ, आ जाओ जी हमारी किचन में। ओके, सो यहाँ पे हम बनाएंगे पेठे का जूस, एश कार्ड का जूस, वाइट पेठे का जूस डिनर में। बट अगर आपके पास वाइट पेठा नहीं मिल रहा मंडी में, बहुत सारे लोग हैं जिनके एरिया में नहीं मिलता, देन हम यूज़ करेंगे घी का। सो एक गिलास हम लेंगे घी का जूस, बट यहाँ पे मेरे पास पेठा है सो हम लेंगे पेठे का जूस। सो यहाँ पे हमारे पास जूसर है, दो ड्रेसेस कम ले लेना बट जूसर ज़रूर 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 लेना। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ये रहा हमारा डिनर, हमारा जूस, वन ग्लास जूस एंड इट्स रेडी। सेकेंड पॉइंट इज अब मैं बात करती हूँ जी जिन जिन लोगों को जूसेस नहीं चाहिए। मैं तो जूस नहीं पी सकती, रात को मुझे भूख लग रही है, मेरे को तो कुछ बढ़िया सामान दे दो खाने के लिए। तो ऐसे में अब हम क्या खाएंगे? सबसे बड़ी चीज़ आती है ड्राई फ्रूट शीरा, मेरे चैनल पे ये रही रेसिपी। ड्राई फ्रूट शीरा नहीं लेना हटा दो। अनदर पार्ट यहाँ पे मैं दूंगी मसाला मिल्क, मेरे चैनल पे ये रही रेसिपी, मसाला मिल्क ले लो। मसाला मिल्क नहीं चाहिए छोड़ दो जी। यहाँ पे हम लेंगे जस्ट बाउल ऑफ पपाया, बाउल ऑफ एनी फ्रूट, कोई भी फ्रूट आप पिक कर सकते हो वो हम लेंगे। नहीं तो यहाँ पे हम लेंगे एप्पल की खीर, ये रही रेसिपी। नहीं तो हम लेंगे मैंगो और डेट्स की स्मूदी, मैंगोज बहुत आ रही है मार्केट में, आराम से उसकी डेट्स की स्मूदी बनाओ और वो ले लो। बट सबसे इफेक्टिव चीज़ इस प्लान की ये है कि डिनर में आप जूस कर लो, एक गिलास बड़ा अपना जूस पी के ना दिमाग को शांत करके सोने की कोशिश करना।
और अनदर चीज़ यहाँ पे आती है अब नाइट ड्रिंक। जूस पीना आप 6:30 से 7 बजे, नाइट ड्रिंक आप लेंगे 10 बजे। नाउ नाइट ड्रिंक में हमें क्या चाहिए? नाइट ड्रिंक में हम बनाएंगे यहाँ पर हमारा कड़ी पत्ते का टी। ओके, यहाँ पे हम बना रहे हैं नाइट ड्रिंक। नाइट ड्रिंक के लिए ये मेरे पास पिंच ऑफ सौंफ, अगेन यहाँ पे लिए मैंने 2 से 3 हमारे कड़ी पत्ते। इन सबको अब हम बॉइल करेंगे खूब अच्छे से। कड़ी पत्ता जितना मैक्सिमम इस डाइट में आप यूज करेंगे उतना बढ़िया है, मतलब कि दिन के आपके 5 से 6 कड़ी पत्ता यूज हो जाए बहुत ही सही है, 2 सुबह और 2 रात को। ट्रस्ट मी, इतना इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा, आपका स्टमक इतना अच्छा क्लीन होगा, आपके टमी जो है वो आपको आधा फील होने लग जाएगा एंड यू विल फील लाइक यू वाओ। जूस लेना प्रेफर करना डिनर में एंड उसके 2 दिन के अंदर आप रिजल्ट्स देखना, नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे एंड यू विल बी लाइक कि यार ये तो बहुत सही चीज़ थी, टमी बिल्कुल फ्लैट हो गया। एंड इस डाइट को करने से आपका इजिली लूज होगा अगर आप जूसेस लेते हो 5 से 6 किलो 9 दिन में। मैं भी पूरा ट्राई कर रही हूँ, आप भी पूरा ट्राई कर लो, मेरा तो इवेंट है, मैं तो बता रही हूँ, मैं तो पूरा लगूंगी आराम से अपना वेट लॉस करने में एंड मैं चाहती हूँ आप लोग भी मेरे साथ साथ करो। एंड या दैट्स इट एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। यार मेरे लिए भी प्रे करना, अपने लिए भी प्रे करना और हम सब पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। मेरे बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से वेट लॉस करा है, मैं चाहती हूँ आप लोग भी इस तरीके से अपना वेट लॉस करो, अपने करियर में आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही करेंगे। सो या दैट्स इट, आई विल सी यू सून, टेक केयर जी, बाय बाय।